चैनल मैथ कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने डेली साइंस पीआरटी के लिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है और जो भी केवीएस पीआरटी का एस्पिरेंट है उसके लिए बहुत यूजफुल होगा। आज हम डे 21 और 20 के अराउंड आ गए, 21 आई थिंक है ना, यानी कि एक वीडियो में 10 से 15 क्वेश्चन मान लो तो आपके पास 250 क्वेश्चन का एक पूरा पैकेज अवेलेबल है। लेकिन आप लोग इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, ये बहुत दुख की बात है, लेकिन चलो मैं करता हूं जब तक कर सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 31, द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज 13, मतलब इसका परमाणु क्रमांक जो है वो क्या है, 13। अब आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ये सर के ऊपर से जा रहा होगा, तो जिसके सर के ऊपर से जा रहा है वो केवीएस पीआरटी साइंस क्लास 9 साइंस, केवीएस पीआरटी साइंस 2022, इन सभी प्लेलिस्ट में पूरे पूरे चैप्टरों को मैंने करा रखा है। और आप इससे नहीं देखना चाहते, किसी से भी देख लो, कहीं से पढ़ लो, और जो भी डाउट हो वो मुझसे पूछो और मैं बताऊंगा। अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं, आप बताओ, ठीक है ना, छोड़ो। एटॉमिक नंबर 13 है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्स प्लस 3, मतलब प्लस 3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितने बचे होंगे, 10, आंसर आ गया 10। क्लियर है बात, बहुत इजी। और ये पेपर में आएंगे सारे क्वेश्चन, नो डाउट पेपर में ये क्वेश्चन आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट केमिकल फॉर्मूला, कौन सा केमिकल फॉर्मूला करेक्ट है। अब केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए ये क्या लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, चलो ठीक है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, पता नहीं। तो पहले आता है कैल्सियम, फिर आता है क्लोरीन, कैल्सियम की वैलेंसी प्लस 2, इसकी होती है माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, सी ए के साथ 1 और सी एल के साथ 2। ऐसे आपको सबके फॉर्मूले बनाने हैं। जैसे सोडियम सल्फाइड आ जाओ, सोडियम का होता है प्लस 1, सल्फाइड का होता है माइनस 2, ये इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, तो Na2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और सल्फर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बन गया Na2S। ये गलत है, इसी तरीके से बस कौन सा सही है, अगर ये 2 लिखा है तो यही सही है, ठीक है ना, अगर ये 2 लिखा है तो यही सही है, अगर ये 2 नहीं लिखा तो ये सही होगा। कैसे, सोडियम की वैलेंसी प्लस 1, नाइट्रोजन की वैलेंसी माइनस 3, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, Na3N, नो डाउट यही सही है, क्यों, क्योंकि एक ही सही हो सकता है। तो ये फॉर्मूला बनाने वाला है, अगर आप में से किसी को फॉर्मूला बनाना नहीं आता और वो चाहता है सीखना तो कमेंट में लिखे, मैं आपको इसकी वीडियो लाके दूंगा, बाकी आपकी इच्छा है। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन जेड माइनस थ्री इज 10, माइनस 3 का मतलब है इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इस पे 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इस पे अपने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7, नो डाउट। क्लियर है ये बात, बहुत आसान। द एनायन ऑफ एन एलिमेंट हैज, एनायन कौन होता है, मैंने बताया था एक होता है एनायन, एक होता है कैटायन। देखो सबसे पहले एक होता है एटम, जैसे सोडियम मान लो, ऑक्सीजन, लेकिन जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है या इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इलेक्ट्रॉन लेने पे उस पर माइनस चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन देने पे उस पर प्लस चार्ज आता है, तो प्लस वाले को कैटायन नाम दे दिया, माइनस वाले को एनायन। अब आप समझने की कोशिश करना, एक जो एटम होता है ना, एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं, प्रोटॉन, और एटम के चारों ओर कौन घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन, और एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, परमाणु जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, दैट मीन्स इस पे जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे, अगर इस पे 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 ही प्रोटॉन होंगे। और अगर आप में से किसी को फॉर्मूला पता है तो जेड इक्वल टू ई इक्वल टू पी मैंने बताया था, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, यानी कि ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, 0, ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अब वो कह रहा है कि वो एनायन है, एनायन का मतलब क्या है बच्चों, नेगेटिव, और एनायन का मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और प्रोटॉन कम होंगे, क्योंकि अगर मान लो माइनस 11 और प्लस 10 होंगे तभी तो माइनस 1 आएगा, लेकिन अगर माइनस 11 और प्लस 12 होंगे तो प्लस 1 आएगा, समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, तो माइनस आने के लिए माइनस वाला बड़ा होना चाहिए, और माइनस वाले कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब सुनो क्या लिखा हुआ है, मोर इलेक्ट्रॉन देन नॉर्मल एटम, लेस इलेक्ट्रॉन देन नॉर्मल एटम, मोर प्रोटॉन देन नॉर्मल एटम, सेम इलेक्ट्रॉन, तो आंसर आ गया मोर इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बात, चलो। अ पार्टिकल एक्स हैज 17 प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने 17, न्यूट्रॉन कितने 18, इलेक्ट्रॉन कितने 18, इलेक्ट्रॉन 18 का मतलब माइनस 18, प्रोटॉन 17 का मतलब प्लस 17, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। अब कह रहा है ये क्या होगा, सुनने की कोशिश करना, प्लस 17 और माइनस 18, प्लस 17 और
-18, आपको रिजल्टेंट क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, -1, और माइनस वाले को क्या कहा मैंने, एनआईएन। दिस विल बी योर आंसर। द एलिमेंट एग्जिबिट द वैलेंसीज 2, 4, 6 कैन बी 2, 4, 6। एन एलिमेंट विच कैन एग्जिबिट वैलेंसीज ऑफ 2, 4 एंड 6। एक एलिमेंट जो 2, 4 और 6 तीनों वैलेंसी शो कर सकता है, इसका आंसर मैं कमेंट में चाहूंगा, क्योंकि मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी वैलेंसी वाली। अब देखते हैं आप सब में से किसको समझ आया, और नहीं समझ आया तो लिखना कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 36 सर दोबारा करा दो, आई विल डू इट अगेन। अगला, द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज, यानी कि एटॉमिक नंबर जो है इसका वो कितना है, 16। तो इलेक्ट्रॉन भी 16 होंगे और प्रोटॉन भी 16। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ई -2, -2 का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन उधार ले लिए, तो अब इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18। देन इट विल हैव 18 इलेक्ट्रॉन। अगला, द कैटायन ऑफ एन एलिमेंट हैज, कैटायन कौन होता है बच्चों, प्लस वाला, और प्लस वाले के लिए क्या होंगे, प्रोटॉन शुड बी मोर देन इलेक्ट्रॉन। अब कहां लिखा हुआ है सुनो, ओके, मोर इलेक्ट्रॉन नहीं, द सेम इलेक्ट्रॉन नहीं, लेस प्रोटॉन नहीं, आंसर हो गया डी। इसमें लिखा हुआ है नहीं, डी नहीं होगा, लेस इलेक्ट्रॉन देन न्यूट्रॉन, लेस प्रोटॉन देन न्यूट्रॉन, मोर इलेक्ट्रॉन देन अ न्यूट्रल, द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट्स न्यूट्रल। ये क्या कहते हैं, कैटायन क्या होता है, लेस प्रोटॉन देन अ न्यूट्रल एलिमेंट, सही तो है, सॉरी लेस, हाँ सही है, मतलब इलेक्ट्रॉन कम होना चाहिए इनडायरेक्टली, वो थोड़ा सा घुमा के कह रहा है, ठीक है ना। टू एलिमेंट एक्स एंड वाई हैज वैलेंसीज 5 एंड 3, टू एलिमेंट एक्स एंड वाई वैलेंसीज ऑफ 5 एंड 3 एंड 3 ऑफ 2, 3 एंड 2। द एलिमेंट एक्स एंड वाई आर मोस्टली लाइक टू बी, कह रहा है एक्स और वाई क्या हो सकता है, सुनने की कोशिश करना, एक्स की ये दो वैलेंसी है, वाई की ये दो वैलेंसी है, अगर मैं बात करता हूं किसकी, चलो ये भी होमवर्क डाल देते हैं, क्योंकि वैलेंसी मैंने करा रखा है, मैं चाहता हूं आप करो, नहीं आएगा तो क्वेश्चन नंबर 39 भी डालना। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वाई +2 इज 10, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद, तो इसमें पहले कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 12। +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन है, और पहले कितने होंगे, 12। अ पार्टिकल पी हैज 18 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 18, न्यूट्रॉन 20, प्रोटॉन 19। द पार्टिकल मस्ट हैव, कौन ज्यादा है, प्रोटॉन, तो आंसर क्या हो जाएगा, कैटायन, आंसर क्या हो जाएगा, कैटायन, क्लियर है। चलो, एन आयनिक कंपाउंड विल फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वन पेयर ऑफ एलिमेंट विच हैज, ओके नाउ सुनना, आयनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, जिसमें आयन हो, मतलब एक प्लस हो और एक माइनस हो। अब देखो, क्लोरीन और कैल्सियम, कैल्सियम और सोडियम, ये तो होगा नहीं, क्योंकि कैल्सियम की वैलेंसी +2 होती है, सोडियम की वैलेंसी +1, और आयनिक कंपाउंड के लिए एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस, क्लोरीन की वैलेंसी -1, क्लोरीन की वैलेंसी -1, ये भी नहीं होगा, सल्फर की वैलेंसी -2 और कार्बन की वैलेंसी -4 भी होती है, ये भी नहीं होगा, तो आंसर हो गया ए। समझ आया, वैलेंसी के डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इस पे कोई दो राय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 मैं करा चुका हूं, 70 मैं करा चुका हूं, ये सारे क्वेश्चन हम करे हुए हैं। अब जैसे मान लो क्लोरीड आयन, क्लोराइड आयन की बात होगी, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 2, 8 एंड 7, जब वो क्लोराइड आयन की बात कर रहा है तो Cl- की बात कर रहा है, Cl- होता है क्लोराइड आयन, ये आपको याद करना पड़ेगा, और माइनस का मतलब ये -1 है, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, तो ये क्या हो जाएगा 2, 8, 8, 8, क्लियर है। अब मान लो वो ऑक्सीजन आयन की बात करता, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन आयन O2- होता है, अगर वो मैग्नीशियम आयन की बात करेगा तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम आयन Mg+2 होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, और ये पता कहां से चलेंगे, वैलेंसी से, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, और मैं वैलेंसी के लिए एक सेपरेट वीडियो पहले ही करा चुका हूं, अगर आप चाहे तो उसे देख सकते हैं और कंटेंट सीख सकते हैं, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चनों के आंसर ठीक है ऑलरेडी, जैसे ये वाला क्वेश्चन करा देता हूं, लास्ट वाला, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटम एक्स इज इतना, एक्स में इलेक्ट्रॉन कितने 15, न्यूट्रॉन कितने 16, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एटम, इलेक्ट्रॉन के बराबर ही एटॉमिक नंबर होता है, तो एटॉमिक नंबर तो 15 हो जाएगा। अब एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या था, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है,
तो एटॉमिक मास को न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन भी लिखा जा सकता है, दैट मीन्स 15 प्लस 16 यानी कि 31। तो ये हो गया आंसर, समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं। इवन आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि फास्फोरस होता है, फास्फोरस वो एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, एटॉमिक मास 31 होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कंसेप्ट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर।